नमस्कार, आप देख रहे हैं जय हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देश भर में गाय माता को एक लंपी नामक बीमारी ने गाय को पूरी तरह घेर लिया है। पूर्व सरपंच पवन डांगी ने बताया, बाबा रामदेव ने गाय के नाम पे काफी प्रोडक्ट बनाए हैं और गौमूत्र से भी आज गाय बहुत बड़ी समस्या में है। रामदेव जी और सरकार को आगे आना बहुत जरूरी हो गया है। पूर्व सरपंच से क्या बात हो रही है देखिए। इस वक्त आप जय हरियाणा टीवी चैनल का तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो जो तस्वीर मैं आपको जो दिखा पा रहा हूँ, मेरे साथ में एक गाय है जो हिंदू धर्म के अंदर इसको गौ माता के नाम से जाना जाता है। तो जो अभी लंपी नाम से एक बड़ी बीमारी चली हुई है, तो आपको जो तस्वीरों के अंदर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लंपी बीमारी ने इस गाय को घेर के रखा हुआ है और जो घर वालों ने इसको अलग से ही बांधना चराना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी देश में के अंदर गाय के नाम के ऊपर काफ़ी चंदा वगैरह जो लिया जाता था और काफ़ी बोला जाता था, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे महानुभावी लोग हुए हैं देश के अंदर। जैसे मैं रामदेव बाबा जी का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने देश के अंदर गाय के मूत्र को भी एक दवा के अंदर बनाया और लोगों के अंदर बांटने का भी जो काम किया। तो आज उनसे सख्त ज़रूरत है कि वो आगे आएं और इस गो भक्ति के अंदर अपनी कामना करें। तो मेरे साथ जुड़ेंगे अभी जय हरियाणा टीवी के ऊपर जो गांव देवराला के पूर्व सरपंच पवन डांगी जी। डांगी जी को मैं एक बार बुलाना चाहूँगा कि डांगी जी नमस्कार। डांगी साहब नमस्कार। तो देखिए, आज गौ माता आज बहुत बड़ी समस्या के अंदर है, तो बताना चाहूँगा कि आज उस महानुभाव को आगे आना चाहिए, तो इस पीछे पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा समझना है, ये जो अभी लंपी वायरस जो है, ये अभी सारे हरियाणा और राजस्थान, लगभग सारे भारत में ही फैला हुआ है। तो मैं बाबा रामदेव जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनका जो बिजनेस है वो स्टार्टिंग में गाय को लेकर और गाय का गौमूत्र हो गया जैसे, और गोबर की कुछ दवाइयाँ आए जो बिनी दूध के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि कृपया उन इन गाय के ऊपर भी ध्यान दें। ये हमारे भारत की गौ माता है, इसका वंश आज खतरे में है। और मैं सुनने में आया कि काफ़ी गौशालाओं में भी दवाई वगैरह आई, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट द्वारा भी दवाइयाँ भेजी गई हैं, तो कोई काम नहीं कर रही है दवाइयाँ। तो गवर्नमेंट से और बाबा रामदेव से यही कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी दवाई वो बनाए, बिजनेस कर रहे हैं वो लोग गाय के ऊपर और दवाइयाँ कुछ दे नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे। आज गंगा और गाय दोनों लुप्त होने जा रही हैं। तो कहीं सुनने में आया था पुराने महापुरुषों द्वारा कि गाय और गंगा जिस दिन लुप्त हो जाएंगी उस दिन सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले कि सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाए, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इस बारे में ध्यान दें और इनकी सुरक्षा का कोई समाधान निकालें। तो यही मैं अनुरोध करना चाहूँगा भाई साहब। कहीं ना कहीं डांगी साहब, ऐसा लग रहा है कि जो बाबा रामदेव थे, उन्होंने गाय के नाम के ऊपर काफ़ी लोगों के अंदर प्रोडक्ट बेचे हैं, तो आज उनका कहीं ऐसा बजट दिखाई नहीं दिया कि मैं ये इतना बजट गायों के नाम पे दे रहा हूँ, तो अभी तक तो नहीं दिखाई दिया ना, अभी कोई बयान आया उनका? नहीं, उनकी तरफ से कोई भी गाय की तरफ ध्यान ही नहीं गया उनका, और ना कोई बयान आया है। वो एक बिजनेस अपना बढ़ाए जा रहे हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस फैला हुआ है। तो लोग चाहते हैं, कई बार हम चर्चा भी करते हैं कि उनके बारे में लोग बातें करते हैं कि रामदेव जी बिजनेस तो अपना कर रहे हैं, लेकिन एक हिंदुत्व की और गाय की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वो ना तो एक पैसा आज तक कोई उन्होंने मेरे ख्याल से दिया है, ना कोई खबर में आया है, और ना ही कोई मेरे ख्याल से कोई सहायता दवाई वगैरह कोई भेजी है उनकी संस्था की तरफ से। तो देखिए, दयनीय दशा है इस गौ माता की। तस्वीरों के अंदर एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो गाय माता है, इसको घर वालों ने अपने पशुओं से अलग कर करके रखा हुआ है ताकि दूसरे में ये लंपी बीमारी न आ सके। तो तस्वीर में जो आपको दिखा रहा था, एक गौ माता के साथ इतना सरकार की तरफ से भी, और जो गाय के नाम पर प्रोडक्ट बेचने वाले बाबा रामदेव की एक अहम भूमिका रहेगी अगर, क्योंकि इस गौ माता के लिए कुछ डोनेट या कुछ दवाई उपलब्ध करा सके। जय हरियाणा टीवी के लिए करमवीर सारसर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जय हरियाणा टीवी। नमस्कार।